रविंद्र जैन जी एक बहुत महान कलाकार हैं, उनके नाम पर ये चौक बनाया है। ये बहुत ही खुशी की बात है, उसका बहुत मान सम्मान रखना चाहिए। जब जीवित रहते हैं तो बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन उसका इतना समझ नहीं आती है लोगों को, लेकिन उनका नाम पे ही इतना बड़ा एक रोड इधर बना है, क्योंकि दादा यहीं पे रहते थे और हम भी यहीं पे आते रहते थे और उनके नाम पे ये बनाया, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दादा का नाम और भी ऊंचा होता रहेगा। एक सवाल और, आपकी कोई विशेष याद उनके साथ में जुड़ी हुई हो? जो बहुत सारी यादें हैं उनके, अभी बयान उसके लिए तो एक बड़ा किताब ही लिखना चाहिए। और कोई फेवरेट गाना उनका आपको जो याद हो? फिल्म का तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन मेरे साथ डांस बैले में उन्होंने बहुत इतना काम किया है कि मुझे सब याद है। मैम एक चीज़ और सवाल पूछ लूँ, यूएस के इलेक्शन हो रहे हैं आज, आपको मैम बता के जाए मैम एक नाम, मैम 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 प्लीज प्लीज, कौन, हिलेरी क्लिंटन या कौन? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और ये मेरे लिए बड़ी बात है उनके नाम का चौक बना है, और मैं कोशिश करती हूँ जितना कुछ उनके नाम का कुछ कर सकूँ। मेरे में हैसियत तो नहीं है, परंतु कोशिश करती हूँ और इस कोशिश में मेरा परिवार भी साथ है, तो मैं कोशिश करूँ। और सिर्फ जैन परिवार ही साथ नहीं है, उनके हजारों लाखों करोड़ों चाहने वाले जो हैं, संगीत प्रेमी जो हैं, उन सबकी यही इच्छा है जिसका आज पहला कदम है, और ये तो पहला कदम है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं अपनी प्यारी भाभी श्रीमती दिव्या जैन की बहुत जितनी भी तारीफ करूं कम है कि दद्दू के जाने के बाद उन्होंने जो हौसला, जो हिम्मत और जो करज दिखाया है, उसी का नतीजा है कि आज बांद्रा में दद्दू के नाम का चौक आया है। दद्दू 40 साल से यहीं थे, मैं उनको राखी बांधती थी, और मैं भी इसी लोकेलिटी में बाजू वाली गली 29th रोड में 60 साल से रहती हूँ, और मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। मैं चाहूँगी कि न सिर्फ एक चौक बल्कि हर गली गली में जहाँ उनका संगीत सुना जाता है, गाया जाता है, हर जगह उनकी याद का एक मॉन्यूमेंट हो। मैडम आपसे क्या जानना चाहेंगे कि रविंद्र जैन चौक का? मैंने तो पहले अपनी बात बताऊँ, मैंने अपना करियर इनके घर से शुरू किया है। मेरे को पहला 101 रुपया और पर्स इन्होंने दिया था, और मैंने फर्स्ट इंटरव्यू जो की थी रविंद्र जैन साहब की थी, और आई वॉज वेरी यंग, बट मुझे लगा पहला जो स्टार बंगलो मैंने विजिट किया है वो रविंद्र जैन साहब को और भाभी जी के यहाँ से शुरुआत की। इनकी भी इंटरव्यू ली थी और दादू की भी इंटरव्यू ली थी, सो आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज विद देम। क्योंकि मैडम हर कोई ये ऐसा जानना चाहता है कि ये उनका बेटा है रविंद्र जैन, क्योंकि आप दोनों से जानना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है, क्योंकि आप लोग आजकल देख रहे हैं कि कई सारे बायोपिक फिल्में बन रही हैं, तो आप चाहेंगे कि उनके ऊपर भी एक अच्छी ऐसी बायोपिक फिल्म बने? बायोपिक के लिए लोगों ने अप्रोच किया था मुझे, परंतु मैंने अभी कहाँ रुक के उनके वो खुद रुक के गए हैं कुछ, वो अभी मैं छपने जा रही है, नेक्स्ट ईयर में आ जाएगी फिर उसके बाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।